तो गाइस आ चुका है देखो नए GTA 5 की वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप काफी बढ़िया होंगे। तो गाइस एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो यार वो लाल वाला बटन दबा देना। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो यार, हमारा माइकल जस्ट अभी टेनिस खेल के फ्री हुआ है अमांडा के साथ। और वो जैसे गाइस वो फ्री हुआ तो उसके पास गाइस लेस्टर का एक मैसेज आता है कि भाई लेस्टर मतलब शायद किडनैप हो चुका है। तो वो काफी मतलब उसका वो डरा सहमा हुआ लग रहा था। तो गाइस यार अभी हमको फिलहाल जाके हमको लेस्टर को बचाना होगा कैसे भी करके। तो चलो गाइस अभी हम लोग अभी लेस्टर को बचाने जाते हैं फिलहाल। और वो काफ़ी खतरे में, और हमको गाइस साइन मिले हैं कि वो शायद मिलिट्री बेस में हो सकता है लेस्टर। तो हमको अब आर्मी का सामना करना पड़ेगा। और गाइस आपको पता है कि आर्मी का सामना करना बहुत ही मुश्किल काम है, कोई ईजी काम नहीं है। तो गाइस यार फिलहाल मैं अपने एक बार कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ और गाड़ी वाड़ी तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि भाई हम जा रहे हैं बहुत ही बड़े वाले मिशन पर। और गाइस वो मिशन बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। अरे भाई मैं इसके कमरे में क्यों आ गया, मेरे को इसके कमरे में जाना था। बोलो यार मैं हर बार तो अपना कमरा भूल जाता हूँ गाइस, मतलब मैं कैसा इंसान हूँ, मुझे अपना घर याद नहीं रहता है। तो गाइस फिलहाल मैं यहाँ से एक बढ़िया सूट वूट में पहन लेता हूँ जो भी मेरे को मिलता है फटाफट फटाफट। एक सेकंड गाइस, ये चलो ठीक रहेगा मिशन के लिए। अरे ये क्या हो गया, ये ठीक लग रहा है मेरे को। ओके गाइस तो ये सूट हमारा रहेगा आज के हमारे मिशन के लिए। तो हम ये पहन के जाने वाले हैं उसको बचाने के लिए लेस्टर को। और लेस्टर को गाइस हमको बचाना पड़ेगा किसी भी कीमत, बिकॉज लेस्टर बेचारा हमारे बहुत काम आता है यार। हर बार बिचारे लोग हमारे लिए इतना करता है। तो गाइस हमारा फर्ज बनता है कि हम लेस्टर को बचाएं। तो गाइस फिलहाल मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी एकदम रेडी कर रखी है उसको बचाने के लिए। और हमको पहला जो लेस्टर ने हमको GPS दिया है, हमको जाना है वहाँ पर कसिनो पे जाना है। तो कसिनो पे जाके देखते हैं क्या सीन बनते हैं। ओ भाई हमारी कार किधर चली गई, कार 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 किधर चली गई मेरी यार। एक तो ये ड्राइवर साले एक तो कार लेके भाग जाते हैं यार। ओ ये रही कार, ये रही भाई कार, तो ये रही मेरी। और ये गाइस तो अपनी लैम्बोर्गिनी एकदम तैयार है, लैम्बोर्गिनी सियान। तो गाइस हम अभी जाएंगे यहाँ से फटाफट कसिनो की तरफ बिना देरी करते हुए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी देर हुए तो गाइस लेस्टर की जान को खतरा हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि वैसा हो बिल्कुल भी। तो गाइस मैंने फिलहाल अभी कसिनो का हम अभी जीते हैं। अरे हट जाओ रे, साइड में हट जाओ, साइड में हट जाओ। तो गाइस फिलहाल हमारा कसिनो जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमको लेस्टर को बचाना है। और गाइस आप लैम्बोर्गिनी आप देख रहे हो गाइस, पूरी अपग्रेडेड लैम्बोर्गिनी हमने ये करवा रखी थी। आप इसकी स्पीड बताना आपको कितनी, आपने नोटिस करी भाई, ये वैसे रॉकेट है ये गाड़ी, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ। और यार गाइस मुझे क्यों, आपको क्यों लगता है कि यार ये लेस्टर को किडनैप क्यों करा होगा मिलिट्री ने, आप इसका रीज़न आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। क्योंकि भाई यार लेस्टर यार चलो माना कोई थोड़े से वो ऐसे गलत काम करता है और वो थोड़ा हैकिंग कर लेता है, लेकिन यार वो ऐसा कुछ नहीं करता कि यार किसी की जान को खतरा हो। भाई 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 ये गाड़ी तो उड़ रही है भाई, ये गाड़ी चल नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस हम लोग कर लेंगे, वो टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि भाई फोर व्हीलर के अंदर थोड़ी सी अपनी ड्राइविंग थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन अपन धीरे धीरे ट्रेन हो रहे हैं इसके अंदर भी यार, क्या करें भाई। माइकल ने अपनी लैम्बोर्गिनी उठाई है तो वो भाई पुलिस वाले को थोप दिया। तो भाई यार लैम्बोर्गिनी इतनी ज़्यादा फास्ट है ना, तो मैं क्या बताऊँ भाई आपको। अरे हट जाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम, मेरा काहे रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, मेरे को लेस्टर को बचाना है। तो भाई हम लोग कसिनो की तरफ आ चुके हैं, और अब देखते हैं कि यार कसिनो पे हमको क्यों बुलाया गया है, यहाँ पे सीन क्या है। तो हम जरा सा देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड जरा मैं अपनी लैम्बोर्गिनी यहाँ पे लगा लेता हूँ। तेरी तो बहुत सही बहुत सही बहुत सही सालो, मेरे को तुम लेस्टर को किडनैप करोगे, मेरे भाई को, लेस्टर मेरा भाई है। अरे 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 तुका जा रहा है, तुका जा रहा है साले, तेरे को तो मैं नंगा करके मारूंगा। अरे तू क्या कर रहा है, झाड़ियों में पानी दे रहा है क्या पौधों को? आई थिंक सर डेड हो गए, नहीं दो बच्चे तू क्या कर रहा है भाई, चल निकल निकल निकल। अरे 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 भाई साहब क्या कर रहे हो भाई, लाशें बोलती नहीं है भाई। फाइनली हमने उड़ी, एक और पीछे था क्या भाई साहब। अरे 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 तू मजा रहा है। अच्छा एक और ओके आई थिंक अब सारे डेड हो चुके हैं। तो भाई कसिनो पे हमारा काम ये था कि हमको इन सारे एनिमीज को मारना था। और ये भी कौन एनिमी है क्या, चल भाई ठीक है एनिमी होगा। तो गाइस हमने सारे एनिमीज को मार दिया, और यहाँ पे गाइस हमको बता रहा है कि हमको ये क्रोमा कार लेनी है। तो ठीक है हम ये क्रोमा कार ले लेते हैं, और ये मुझे वो बुलेट प्रूफ गाड़ी लग रही है, तो ज़रा मैं बैठ के देख लेता हूँ। ओ भाई ये क्या बैठते गए, इसके अंदर कितने दो स्टार आ गए भाई, इसमें GPS लगा, मुझे ये गाड़ी उड़ानी होगी, ये गाड़ी भाई फटाफट मेरे को ब्लास्ट करनी होगी। इसके अंदर भाई GPS की चिप लगी हुई है, भाड़ में जाए क्रोमा मेरे को नहीं चाहिए भाई, इसको ज़रा मैं फोड़ देता हूँ। ओके तो मैं तीन चार ग्रेनेड फेंक देता हूँ। ओके। तो गाइस ये क्रोमा तो गई भाड़ में, मेरे पीछे पुलिस ना पड़ जाए, मेरे को फटाफट एक बार कहीं पर छुपना पड़ेगा और ये GPS का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। ओके तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यार पुलिस हमारे पीछे से जा चुकी है, और गाड़ी के अंदर भाई GPS चिप लगी हुई थी। ये हमको कितनी बड़ी फजाने की साजिश थी मिलिट्री वालों की। और आप देख पा रहे हो गाइस माइकल पूरा खूनम झार हो रखा है, पूरा खूनम खून हो रखा है। तो
गाइस फिलहाल हम लोग जाएंगे अपने लैम्बोर्गिनी के अंदर ही मिलिट्री बेस पे लेस्टर को बचाने के लिए, क्योंकि भाई वो गाड़ी हमारे लिए बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं थी। अगर हम उसके अंदर जाते तो गाइस शायद हम रास्ते में हमारे ऊपर बम ब्लास्ट हो जाता था, और लेकिन वो हमने नहीं होने दिया, तो वो काफ़ी सही रहा हमारे लिए। तो गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मिलिट्री बेस पे लेस्टर को बचाने के लिए, देखते हैं क्या होता है उधर। तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी मैं मिलिट्री बेस पहुँचता हूँ। अरे भाई हट जाओ यार तुम, भाई क्या कर रहे हो, मेरा लेस्टर मर जाएगा उधर यार। लेस्टर भाई हमारा दोस्त है सबका यार, हमारे लिए वो इतना काम आता है बेचारा, वो तो हमारा भी गाइस थॉट बनता है कि हम लेस्टर को बचाएं कैसे भी करके। और भाई लेस्टर को बचाना बनता भी है यार, वो लेस्टर आदमी सही है, चलो थोड़ा सा मानो वो गलत काम कर लेता है कभी कभी, लेकिन भाई बुरा आदमी नहीं है लेस्टर, मैं इतना कहूँगा। अरे हट जाओ भाई हट जाओ, मेरे को लेस्टर को बचाना है। भाई क्या कर रहे हो भाई, लैम्बोर्गिनी क्या चल रही है यार, ये तो भाई खतरनाक। भाई लैम्बोर्गिनी भाई साहब। ओके अब कहाँ पे जाने का है, अरे मेरा GPS ही पूरा लॉस्ट हो गया, मेरे को वापस लगाना पड़ेगा। GPS कहाँ का था? ओके मिलिट्री बेस का GPS था, तो ठीक है हम लोग जाते हैं उधर। और गाइस आपको क्या लगता है, मैंने वो कुरुमा को ब्लास्ट करके सही किया या नहीं किया, आप मुझे अपनी कमेंट में राय बताना ज़रूर, क्योंकि गाइस मेरे को उस गाड़ी से खतरा था, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि अगर हम उस गाड़ी में जाते तो यार शायद हमारे ऊपर वो ब्लास्ट हो गाड़ी हो जाती और हमारा एंड हो सकता था इधर ही। क्योंकि भाई आपको पता है मिलिट्री वाले अगर लेस्टर को किडनैप कर सकते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं उसको किडनैप करने के लिए, और मैं नहीं चाहता गाइस यार मैं लेस्टर के चक्कर में अपनी जान गंवाऊँ। तो भाई मेरा बचना काफ़ी ज़रूरी था, तो मैंने शायद सही करा वो गाड़ी उड़ा के, मुझे ऐसा फील होता है, बाकी आपको जो लगता है आप मुझे बता सकते हो। तो भाई हम लोग मिलिट्री बेस के पास अब आई थिंक पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है हम लोग, क्योंकि भाई ये रास्ता भी थोड़ा सा काफ़ी ख़राब है, तो यार अब यहाँ पे मैं ज़्यादा तेज में ड्राइव कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वो काफ़ी मेरे लिए रिस्की होगा। बट फिलहाल गाइस हम लोग 2.78 माइल दूर है, तो हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं मेरा ये मानना है। और बस मेरे को डर ये है कि भाई यार अब लेस्टर को उन्होंने मार ना दिया हो, पकड़ा है चलो वो तो ठीक है उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन भाई लेस्टर मरना नहीं चाहिए, बस मैं इतनी सी बात जानता हूँ। अगर लेस्टर मरा तो भाई मैं उनकी ईट से ईट बजा दूंगा मिलिट्री वालों की, क्योंकि ये ख्याल है ये अमरीकी बहुत ही भाई डेंजरस होते हैं, और इनके पास भाई एक पे एक बॉम्ब वगैरह सब कुछ है भाई इनको, और हमारे पास इतना कुछ नहीं है इनको रोकने के लिए। लेकिन हम फिर भी गाइस हम कोशिश करेंगे कि हम इनको रोक पाएँ, हम अपना पूरा कोशिश लगा देंगे, पूरा के पूरा अपना जोर लगाना होगा मेरे को। अरे यार मैं सोच रहा था कि यार फ्रैंकलिन को भी ले लूँ, लेकिन गाइस फ्रैंकलिन अभी डेट पे गया हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और मैंने सोचा भाई इनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं रहेगा ऐसे मोमेंट पे। और भाई ड्राइवर तो पता नहीं भाई कहाँ पे पी के पड़ा हुआ था, तो भाई मैंने सोचा कि मैं अकेले ही निकल जाता हूँ, इन दोनों के भरोसे अगर मैं रहा तो काम काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो बस भाई मैं अकेला निकल पड़ा, फटाफट टेनिस खेल रहा था और मैसेज आ गया भाई उसका। यार ऐसा भी तो होता है कि या कोई ये फेक मैसेज हो या लेस्टर किडनैप नहीं हुआ हो, या ये मुझे मेरे दुश्मनों की पता नहीं की साजिश हो कि भाई वो लेस्टर के नाम पे मेरे को बुलाना चाह रहे हो, आपको क्या लगता है भाई? यार बट यार लेस्टर के नाम पे कोई झूठ क्यों बोलेगा यार, मैं लेस्टर के मैं घर से कल गया भी था, लेकिन शायद लेस्टर मेरे को वहाँ पे नहीं दिखा था, मुझे लगा यार घूमने गया होगा लेस्टर तो। लेकिन भाई मेरे को इस बात का रियलाइजेशन अब हुआ कि भाई लेस्टर तो किडनैप हुआ था एक्चुअली में। तो बस गाइस अब फिलहाल भाई साहब ये तो गाड़ी 400 पकड़ रही है यार, ओ भाई साहब लैम्बो 400 पकड़ रही है भाई, अब तक की अपनी गाइस सबसे फास्ट गाड़ी, जितनी भी हमने अभी तक गाड़ियां हमने टेस्ट करी है गाड़ियां कार, ओ भाई साहब यहाँ पे तो इसका इंजन का साउंड टनल में पूछो ही मत भाई, गजब ही हो जाता है। ओ भाई ये पागल हो गए, सिविलियन पागल हो गया, सिटी के सिविलियन पूरे के पूरे बौखला गए भाई, इनका दिमाग खराब हो चुका है क्या करें। तो भाई हम लोग फाइनली मिलिट्री बेस में आ चुके हैं, और हम अब हमको बहुत ही यहाँ पे सोच समझ के काम करना पड़ेगा, बिकॉज गाइस अब ये जगह कि आप देख रहे हो यहाँ पे कार्गो बॉक्स प्लेन घूम रहा है, ये यहाँ पे हमारे पर नज़र रखेगा। तो मैं थोड़ा सा मैं आगे जाके देख के आ जाता हूँ तो यहाँ का सीन कैसा है क्या बन रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे आई थिंक खड़े हुए हैं दो बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं, तो भाई मैं क्या करूँगा फटाफट पीछे से आऊँगा पूरी स्पीड से और सालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। तो अभी आप देखना तेरी तो ऐसी की तेरी, सालों मेरे लेक्चर को पकड़ोगे तुम, आ जाओ सालों लैम्बो है मेरे पास, जरा सा मैं देख तो लूँ एक बार यहाँ पे है क्या यार। ओके तो भाई यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, अच्छा इसको किसी टावर में रखा हुआ है लेक्चर को इन्होंने। ओके तो अभी मैं क्या करता हूँ भाई, मेरा जो प्लान था कि मैं पीछे से आऊँगा पूरी स्पीड पर उनको मैं ठोकूंगा मिलिट्री वालों को, तो मेरा प्लान वही रहेगा, मेरे प्लान में चेंज बिल्कुल भी नहीं है कोई भी, मुझे मेरा प्लान सक्सेसफुल भाई करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई।
मुझे अपने प्लान से हारना नहीं, तो भाई तब मैं बस ये फटाफट जाता हूँ तेरी तो। ओ भाई अंदर घुसे, ओ भाई 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 अंदर घुसे, चल गए तेरी साले। मेरे को यहाँ से एंट्री कहाँ से मिलेगी जरा मैं देख लेता हूँ। भाई 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 मेरे पीछे मिलिट्री लग गई भाई, अंदर घुसते ही मिलिट्री लग गई यार, ये तो बहुत ही गलत हो गया मेरे साथ। अब मुझे कहाँ से घुसना है, कहाँ से घुसना है भाई, रास्ता किधर है टावर का, मेरे को रास्ता भी नहीं पता। एक तो यार टावर का रास्ता किधर से है भाई, भाई भाई टावर का रास्ता बता दो कोई तो, टावर का रास्ता किधर से यार, मैं गलत तो नहीं आ गया कहीं? ये मिलिट्री वाले भाई मेरे नाक में दम कर देंगे इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो। ओके टावर का रास्ता आई थिंक, ओ अच्छा मिलिट्री की जीप आ गई। टावर का रास्ता किधर से भाई, थोड़ा मैं घूम के देखना पड़ेगा यार। एक तो मैं टावर का रास्ता, एक सेकंड रुक जाना भाई, ये टावर का रास्ता अभी हम लोग देखते हैं भाई साहब हो रहा, टावर का रास्ता हो रहा। ओके तुम्हें लेक्चर भाई क्या करो, लेक्चर भाई अकेला लड़ रहा है लेक्चर भाई साहब तेरी ऐसी। ओ लेक्चर को मार दिया भाई इन्होंने, भाई लेक्चर को मार दिया, लेक्चर उठ मेरे भाई, लेक्चर उठ गया। ओ भाई 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 लेक्चर ठीक है, लेक्चर ठीक है। ओके यहाँ से मुझे फटाफट लेक्चर को लेके भागना पड़ेगा भाई, वरना 12 बज जाएगी। ओके रुक जा भाई, ऐसी बात है ना, तो साले मैं भी लेके आया लेक्चर को बचाने के लिए, पूरा असला बारूद। ये पकड़ साले, पकड़ तू भी साले तू भी फटो भाई, ये तो टैंकर फट भी नहीं रहा यार। मुझे एक बार कवर में आना पड़ेगा यहाँ पे टावर में, गोइंग साइड टावर। ओके टावर में जाने को बोल रहा है मुझे, ये टावर में क्या होगा आई थिंक, बट लेक्चर तो भाई बाहर क्या कर रहा था लेक्चर यार, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। अब लेक्चर को मेरे को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बाहर जो था वो लेक्चर जो था भाई, वो कौन था, वो लेक्चर नहीं था तो। ओ भाई 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 लेक्चर किधर चला गया, लेक्चर यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है। लेक्चर भाई किधर है तू, इधर आ जा। अरे लेक्चर मिल गया, लूज द कॉक्स। ओके अब इनसे मेरे को पीछे थोड़ा नहीं, मिलिट्री वालों से तो मैं इनकी बचा दूंगा। पकड़ साले तू पकड़। बहुत सही भाई, मेरी लैम्बोर्गिनी ना फूट जाएगा यार, इसको बचाने के चक्कर में मेरी लैम्बोर्गिनी के बारे में बच जाए, इसकी सारी मैं गाड़ियाँ भोर दूंगा मिलिट्री वालों की, तो मैं सारा नंगा करके मारूंगा। लेक्चर भाग ले, ओ भाई लेक्चर पड़ गया मेरा, लेक्चर उठ जा, हमको कहीं निकलना पड़ेगा, हमको यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा गाइस, वरना लेक्चर की जानो खत्म, और हमारी गाड़ी भी खत्म हो सकती है। तो गाइस फटाफट मैं जरा अपना सिटी की तरफ मैं मार्क लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे इससे बचना। बैठ लेक्चर बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। तो भाई लेक्चर को हमने फिलहाल बिठा लिया है, और यहाँ से हमको मिलिट्री वालों से पीछे छोड़ना पड़ेगा कैसे भी करके, वरना हमारी जान खतरे में आ जाएगी। और यहाँ से निकलने का रास्ता किधर है मिलिट्री बेस से भाई मेरे को पता भी नहीं बिल्कुल भी, बट हमको यहाँ से एस्केप करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि भाई ड्राइवर और हम दोनों की जान खतरे में हो रही है। जैसा कि आप लोग कहीं देख पा रहे हो, मेरे पीछे 5 स्टार की पुलिस लगी हुई है भाई, 5 स्टार पुलिस तो है ही, और साथ में मिलिट्री भी है भाई साहब, ये क्या हो रहा है पूछो मत यार। ओ भाई 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 हमारे पीछे जीप आ गई, जीप वालों को भाई हराना होगा कैसे भी करके यार। अब बोल कमोन माइकल भाग। ओ भाई साहब कुछ जीप आ गई, ओ भाई खतरनाक सीन हो गया भाई। फटाफट अपनी गाइस अपने को लैम्बो भगानी पड़ेगी, वरना ये मिलिट्री वाले, ओ भाई क्या ही उड़ाया इनको खतरनाक भाई मेरी। अरे भाई माइकल गिर गया। अरे भाई बहुत सही तेरी मिलिट्री जरा साले नकली लोगों, हमको मारोगे मेरे लेक्चर को किडनैप करोगे तुम, तुम्हारी तुम्हें ये लो पकड़ो सारो पकड़ लेक्चर बैठ मेरा भाई लेक्चर बैठ, जल्दी बैठ के मार देंगे हमको। बैठ जा भाई लेक्चर जल्दी बैठ जा वरना 12 बज जाएगी यार। ओके फिलहाल हमको यहाँ से भागना पड़ेगा एक फटाफट, वरना आज हमारी एनकाउंटर इधर ही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मिलिट्री वालों की पूरी जीप हमारे पीछे पड़ चुकी है, और ये भाई किसी भी हद तक जाएंगे कि लेक्चर इनके हाथ ना लगे और ये मेरे को भी पकड़ लें। ओ भाई इन्होंने अब तो पुलिस को बुला लिया। ओ भाई साहब क्या हो गया, मेरी गाड़ी पूरी नीचे गिर गई यार। खैर फिलहाल कोई बात नहीं। ओके काला हिरन जा रहा है यहाँ पर, ये वक्त अभी हिरन मारने का नहीं है, ये वक्त अभी फिलहाल हमको। ओ भाई 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 यहाँ से हमको बचना पड़ेगा भाई। ओ भाई एक और गाड़ी आ गई पुलिस की। ओ भाई साहब ये क्या सीन हो रहा है, चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं तुमका छोड़ूंगा नहीं, तुम आ जाओ सालो मेरे पास भी लैम्बो है।
ओ भाई मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया भाई, सीट बेल्ट तो नहीं लगाया भाई, मैं पूरा खूनम जार हो चुका हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो। और लेफ्टर मेरे को बचाने के लिए आ रहा है भाई जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन भाई लेफ्टर तो अंदर बैठ गया। अभी तेरी जान की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो अगर मर गया तो भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और वो हमारे पर बहुत खतरनाक वाली फायरिंग कर रहे हैं अभी पुलिस वाले, लेकिन हमसे फिलहाल बच के निकल चुके हैं अभी तक तो। ओके 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 ओके, भागना पड़ेगा। ओ भाई क्या टक्कर हुई भाई, खतरनाक टक्कर हुई, एक को दो टक्कर मार दिया है। और गाइस फिलहाल यहाँ पे मुझे खाली अपार्टमेंट दिख रहा है, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं पुलिस वालों से छुप पाऊँ, शायद मैं मेरे अपार्टमेंट में ना देख पाएँ। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं, मेरे अपार्टमेंट में हम लोग सेफ रहते हैं जैसे, तो ज़रा मैं ट्राई करता हूँ अपार्टमेंट में छुपने का। अपार्टमेंट का रास्ता कहाँ है, अपार्टमेंट का रास्ता भाई, रुक जाओ रुक जाओ। ओके अपार्टमेंट का रास्ता इधर से, ज़रा मैं इधर छुपने का ट्राई मारता हूँ एक सेकंड। इधर देखता हूँ गाइस, पुलिस से हम लोग पीछे छुड़ा पाते हैं नहीं छुड़ा पाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस फिलहाल मैं अपार्टमेंट में आ चुका हूँ, और यहाँ पे आई थिंक गाइस हमारे पुलिस के स्टार गायब हो रहे थे, शायद मैं यहाँ पे सेफ हूँ मुझे तो फीलिंग आ रही है। और लेक्चर गाइस फिलहाल मैंने एक कोने में उधर छोड़ दिया था, आई थिंक लेक्चर कोई खतरा नहीं होगा। ओके बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ गाइस पुलिस यहाँ से चली जाए जैसे तैसे करके, तो हम लोग भाई थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे। वरना भाई आपको पता है गाइस ये 5 स्टार की पुलिस और आर्मी और पुलिस दोनों के दोनों शामिल हैं हमको पकड़ने के लिए। और यार भाई धीरे धीरे स्टार गायब हो रहे हैं, प्लीज हो जा भाई, हो जा भाई, वरना हम अकेले नहीं लड़वाएंगे इतना। यार आप लोग देख पा रहे हो गाइस हमारे पूरा खून खून हो रखा है हमारा कोर्ट, और कितनी सारी गोलियां पड़ी है हमको। अरे भाई ये स्टार कब गायब होंगे यार, भाई लेस्टर की बार जान खतरे में काफी, तो लेस्टर कुछ ना हो जाए, मेरे को बड़ा टेंशन इसी बात का है। आई थिंक यार पुलिस वाले शायद निकल चुके हैं मेरे हिसाब से यार, लेकिन स्टार भाई गायब हो नहीं रहे ना यार, मेरे को दिक्कत ही हो रही है। पुलिस वाले अभी भी आई थिंक को ढूंढ रहे हैं मेरे को पागल कुत्तों की तरह। ओके ओके शायद अब इनको जाना चाहिए यार। तो यार पुलिस तो फाइनली गई, तब जा चुकी है काफ़ी हमारे लंबे वेट के बाद, और अब हम थोड़ा बाहर जाके देख लेते हैं हमारे लेस्टर कैसा है, हमारा लेस्टर भाई सेफ है या नहीं है। लेस्टर किधर है भाई, लेस्टर किधर है, लेस्टर लेस्टर वेयर आ रही हो, लेस्टर वेयर आ रही हो। ओके आई थिंक कि ओह पुलिस वाले भाई इधर, लेकिन ये मेरे को शक नहीं करेंगे पुलिस वाले। ओ भाई भाई इन्होंने लेस्टर को मार दिया। अरे लेस्टर बैठ लेस्टर बैठ लेस्टर बैठ गया बैठ गया लेस्टर बैठ लेस्टर बैठ। भाई साले ये लेस्टर को ये मार रहे थे इतनी देर से, यार मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा इनसे। नहीं 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 भाई 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 ये क्या हो रहा है भाई। लेस्टर के पीछे पुलिस अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं पहचाना यार, ना जाने क्यों। तो गाइस यार अब हमारा अगला काम है कि हमको लेस्टर को कसीनो पे छोड़ के आना पड़ेगा। कसीनो पे पता नहीं वो क्या करेगा, लेकिन भाई उसने बोला शायद कुछ काम होगा कसीनो पे, तो हम लोग चलो भाई लेस्टर को कसीनो पे छोड़ के आते हैं जैसे जैसे। अरे हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा भाई, ठोक दूंगा, हट जा भाई, लेम्बो है क्या कर रहा है। ओके 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 भाई मेरी लेम्बो पूरी की पूरी हालत बिगड़ चुकी है यार, अब पूरी मेरी लेम्बो की 12 बज चुकी है। अब मेरे को ड्राइविंग थोड़ी सी धीरे धीरे करना पड़ेगी, बिकॉज भाई लेस्टर भी काफ़ी इंजर्ड है और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी आ चुकी है। और अब अगर गाइस हमारा थोड़ा सा भी एक्सीडेंट होता है तो मेरे को डाउट है कि शायद 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 हम लोग काफ़ी सीरियस इंजरी हो जाएगी और हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और वो हम चाहते नहीं हैं। तो मुझे ड्राइविंग काफ़ी अब धीरे करनी पड़ेगी, लेकिन आप देख पा रहे हो मैं इतना धीरे ड्राइव कर रहा हूँ, तो भी ये 200 तो गाड़ी ऐसे ही जा रही है आराम से। मतलब भाई गाड़ी की क्या ही स्पीड है यार, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब खतरनाक स्पीड। और भाई ऊपर आप देख रहे हो कि ये मिलिट्री वाले एरोप्लेन लेके ये पता नहीं क्या ये पतंगे बना रहे हैं आसमान में, लेकिन कुछ ना कुछ तो भाई ये लोग कर रहे हैं मेरे खिलाफ प्लानिंग, लेकिन अब देखना पड़ेगा क्या होता है। फिलहाल तो हम लोग इनके पीछा छोड़ा के जा रहे हैं कसीनो की तरफ लेस्टर को छोड़ने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आगे हमारे लिए इन्होंने बिल्डिंग ना लगा रखी हो, बिकॉज भाई यार माइकल ने मिलिट्री के लिए बहुत काम किया और मुझे नहीं लगता कि वो उसको धोखा देंगे इतनी सी बात के लिए। और मुझे ये भी बात का पर्दाफाश करना है कि भाई इन्होंने लेस्टर को किडनैप क्यों करा, ये तो मैं लेस्टर से बात करूंगा। और शायद पर लेस्टर से पर अभी ये बात करने की हालत शायद सही नहीं है, बिकॉज वो भी काफ़ी अभी डिप्रेशन में होगा, क्योंकि वो काफ़ी वो टॉर्चर उनको दिया होगा मिलिट्री वालों ने, और वो टॉर्चर से गई अभी उससे बात करना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो हम लोग उसे थोड़ी देर से बात करेंगे ज़रूर। और आपको क्या लगता है कि यार वो किडनैप क्यों करा होगा, ये तो गई आपकी जो राय है ये आप मुझे बताना ज़रूर। और फिलहाल गई हमको लेस्टर को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। ओके लेस्टर आई थिंक यहाँ पे कुछ कर रहा है। ओके गाइस तो लेस्टर को बचाने के लिए हमको मिले हैं बहुत सारे पैसे भाई, तो भाई लेस्टर को बचाने के लिए गाइस हमको बहुत सारे $5 मिलियन मिले भाई हमको लेस्टर को बचाने के लिए। ये गाइस कोई कम रकम नहीं होती है भाई, $5 मिलियन किसको बोलते हैं भाई। तो गाइस फाइनली यार मैंने लेस्टर को बचा लिया है,
और वो शायद अब यहाँ से अपने घर जाएगा या पता नहीं क्या करेगा, मुझे नहीं पता। तो फिलहाल मैं अपने घर जाता हूँ और मैं अपने घर जाकर देखता हूँ भाई मेरे घर पे सब कुछ ठीक है या नहीं, मेरे घर पे कहीं इन्होंने फील्डिंग तो नहीं लगा दी मिलिट्री वालों ने, क्योंकि आई थिंक वो मुझे यार पहचानते तो नहीं है यार मुझे ऐसा लगता है। बट वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, मिलिट्री वालों को कोई भरोसा नहीं है। तो भाई एक बार मैं अपने घर जाकर देख लेता हूँ कि सिचुएशन पूरी सही है या नहीं है, बिकॉज यार मेरे बीवी और बच्चों की मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी, उनसे कहीं शायद हमला नहीं हो जाए कहीं गलती से भी। तो बस फिलहाल गाइस हम अपने घर पहुंचने वाले हैं और देखते हैं कि यार घर पे क्या होता है। ओके, हम लोग अब ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, 0.50 माइल के हम लोग अब दूर हैं हमारे घर से। और यार लैम्बो भी काफ़ी सही चल रही है, तो अपग्रेड कराने के बाद तो भाई एकदम रॉकेट की हो गई है गाड़ी और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई भाई। हैंडलिंग तो इसकी एक नंबर है और ब्रेक वगैरह भी, ब्रेक में शायद मुझे लगता है थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा, बाकी स्पीड में मुझे लगता है यार स्पीड और हैंडलिंग में ऐसा कुछ कमी है गाड़ी की। और आज ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है सड़कों पे भाई, क्या हो रहा है भाई शहर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक। तो भाई ट्रैफिक के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नियम नियम सुधारने पड़ेंगे शहर के। तो भाई फिलहाल हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं और मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। ओके, ओ भाई दरवाजे में गाड़ी रुक गई। ओके, मैं अपनी गाड़ी को ज़रा यहाँ पर लगा देता हूँ फिलहाल तो, और ज़रा मैं अपने घर पर देख लेता हूँ कि मेरे घर पर क्या सीन है। मैं अपनी गन अंदर रख लेता हूँ वरना भाई घर वाले डर जाएंगे गन देख के कि भाई तुम क्या करके आए हो, पूरा खून खून होके आए हो। ओके, ज़रा मैं अपने घर में देख लेता हूँ कि सब लोग क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे तो कोई है नहीं फिलहाल तो। ओके, ये कौन है भाई, ये जिमी यहाँ पे क्या कर रहा है ज़रा सा मैं देख लेता हूँ। ओके, जिमी ठीक है अपने लैपटॉप पे शायद कुछ कर रहा है, और शायद यहाँ पे मैं क्या करूँ दारू वारू पी लूँ क्या गाइस, यार आप लोग क्या बोलते हो, क्योंकि काफ़ी थक गया है। माइकल थोड़ी सी दारू बनती है बट यार दारू मुझे लगता है कि अभी यार पीनी चाहिए, बिकॉज अभी यार सामने अपना बच्चा ही बैठा हुआ है, बच्चे के सामने दारू पीना अच्छा नहीं लगता। तो गाइस फिलहाल मैं ऊपर देख रहे तो अमांडा वगैरह किधर है, अपना ट्रेसी वगैरह है क्या उसके रूम में? ओके, ट्रेसी अपने रूम में पढ़ाई कर रही है और अमांडा, अच्छा जिमी तो ओके नीचे था, यहाँ पे तो कोई होगा नहीं। तो जरा मैं देख रहा हूँ गाइस अमांडा आई थिंक चलो बाहर कुछ काम दे गई होगी यार। तो गाइस अब मुझे फिलहाल अब पता लगाना है कि भाई लेस्टर को किसने किडनैप किया और क्यों किया, ये गाइस मैं आपको पता लगा कि मैं बताता हूँ आपको अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए यार गाइस वीडियो को लाइक कर देना और वो लाल वाला बटन सब्सक्राइब का उसको जरूर दबा देना यार, और सबके साथ शेयर करो, और अपना डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पे भी आप अपने को फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।